इस समय मौजूद है करनाल के बस स्टैंड के सामने, जहां पर हम आपको बताएं कि एक संदिग्ध होटल में पुलिस ने रेड मारी थी, आप देख सकते हैं, जिसके बाद हम आपको बताएं कि लड़का लड़की मिलने की सूचना थी, जिसके बाद हम आपको बताएं कि कुछ लड़का लड़की यहां से कूदकर भी भाग गए हैं, जो जानकारी मिली है, जैसे कि मौके पर लोगों ने बताया है। सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी, कहां से आप आए थे? सर, वैसे हम PCR सिटी थाना ने बुलाए थे, उसमें यहाँ पर वो करने के लिए कुछ नहीं मिला कर चेकिंग। तो क्या रेड मारी थी, क्या था, पता चला? सर, हम तो पीछे कॉल करके बुलाए थे, अभी दुर्गा शक्ति यहाँ पर रिपोर्ट करे, उन्होंने चेक चेकिंग अंदर हमने तो कुछ मिला नहीं सर, कपल के जो था भागते हुए देखे? नहीं सर, हमने कोई भागते हुए देखे। इंचार्ज कहाँ गए? इंचार्ज चले गए सर, वो PCR ने रेड मारी थी? नहीं सर, ऐसा तो वो था सिटी थाना का पूरा वो था PCR, पूरी टीम थी। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं दुर्गा शक्ति टीम पहुंची है मौके पर, ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा शहर का मोहल्ला इकट्ठा है, क्योंकि हम आपको बताएं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड के आसपास कई ऐसे संदिग्ध होटल है, जहां पर जानकारी मिली थी कि लड़का लड़की काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं, कमरे लेते हैं, गलत कार्य करते हैं। आपने देखा क्या हुआ था यहाँ पर, भागे थे लड़के? हाँ, यहाँ से अभी यहाँ से कूद के गए हैं। कितने लड़का लड़की? चार हैं जी यहाँ पर, तीन लड़की अंदर यहाँ और एक लड़का एक लड़की बाज गए हैं यहाँ से। हाँ, अंदर भी हैं? अभी अंदर तीन और बैठे हुए हैं। ये जो है दुर्गा शक्ति है, जो करनाल वाली जो टीम है, ये लिलीपुट होटल के अंदर से गई है। अभी पुलिस और भी आई थी? हाँ हाँ, पुलिस अभी गई है, जिप्सी है। क्या काम चलता है यहाँ पर? यहाँ पर अवैध धंधे हो रहे हैं जी। पुलिस को जानकारी दी गई थी जी, वैसे नहीं मिली थी इसको। ठीक है, अभी जो दुर्गा शक्ति है वो अभी एक गाड़ी वो खड़ी है और आने लग रही है जो, ठीक है, और अभी एक गाड़ी उनको तीनों को लेके चली गई है। हाँ जी, तीनों को लेगी। आपके सामने बिठाए? हाँ, मेरे सामने बिठाए हैं जी, और दो जो लड़का लड़की है वहाँ से अंदर से कूदे हैं, ऊपर से जैसे ही अंदर से गए यानी वो अंदर से कूद गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज्यादा लोग शेयर करें इस खबर को, देश भर में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि हर जिले में बस स्टैंड के आसपास, लड़कियों के कॉलेजों के आसपास, जितने भी इस तरह के छोटे छोटे होटल हैं, वहां पर इसी तरह से गलत कार्य चलते हैं। और हम आपको बताएं कि जानकारी मिली है कि शायद PCR कुछ कपल्स को पकड़ कर भी ले गई है, और लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर लड़के लड़कियां भागते हुए नजर आए, दीवार कूद कर नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने क्या जल्दबाजी में रेड मारी, पूरी प्लानिंग से रेड नहीं मारी गई, जिस कारण आप देख सकते हैं कि अगर दीवार कूद कर लड़का लड़की भागे हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। प्रॉपर संख्या में अगर पुलिस की टीमें यहां पर होती तो शायद जो है इस रेड को सक्सेसफुल अंजाम दिया जा सकता था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के बस स्टैंड के बिल्कुल आगे, जहाँ पर कई ऐसे होटल्स हैं संदिग्ध हैं, जो यहाँ पर इसी तरह से चलते हैं, वो होटल्स रूम्स अवेलेबल, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ यहाँ पर इसी तरह से कमरे लेते हैं। आसपास के दुकानदारों ने कई बार इसकी शिकायत दी है, और दीवार कूद कर जो है लड़का लड़की भाग गए हैं, ये तस्वीरें आप हैं जी। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं किस तरह से लड़का लड़की कहां से भागे थे, कौन सी दीवार से भागे थे, वहां से हुए थे। तो देखा था आपने, तो और कौन था आप में से यहाँ? ये यहाँ इसे कूदे हैं, विंडो है नहीं जो AC विंडो है, इसे नीचे कूदे हैं और दोनों कूद ही चले गए। कम उम्र के लड़का लड़की भी आते हैं? हाँ, कम से कम यानी 20-22 साल तक। रोजाना रहते? हाँ, डेली का काम है जी यहाँ पर। क्या करते हैं, मतलब क्या अवैध धंधा हो रहा है जी यहाँ पर? आपने तो पुलिस को जानकारी मिली थी? पुलिस को तो पहले पता है जी इसके बारे में, और भी यहाँ होटल कहीं हो रहा है जी वैसे। ये बस स्टैंड के आसपास भी है जी, साइड में भी हैं, और ये जो गड़ी है इसमें भी है, पहले भी रेड पड़ चुकी है, वो नीलम होटल है जी उसमें भी रेड पड़ चुकी है पहले भी। हाँ सर, मैं यही चल रहा जी। ऐसे आपने क्या देखा, कौन सा होटल? सर मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अभी अभी आया था। ये लिलीपुट है जी, यहाँ पे तो रेड वगैरह पड़ी है उनकी, गलत व्यवहार धंधा चल रहा था यहाँ पर, जो कि वैसे बहुत ज्यादा गलत है। यहाँ पे ऐसे करना नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली गेस्ट के लिए बनाए जाते हैं, बट यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं। होटल तो काफी है सर करनाल में, अब ये तो है नहीं सर, बहुत ज्यादा होटल है। जब सेवक गेस्ट हाउस में पहले भी रेड पड़ी हुई थी, उसके बाद ये स्टार्ट हो गया, और भी है सर काफी, ये हो कि बारी बारी सब पे रेड पड़नी चाहिए सर ये। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से, हम आपको बताएं कि तमाम लोग मौके पर हैं, और किस तरह से बस स्टैंड के आसपास सभी दुकानदार और बड़ी संख्या में जो नौजवान है वो किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा है, ये तस्वीरें आप। ये भी हम जाना चाहेंगे।
तो हम आपको बताएं कि जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिएगा। जानकारी मिली है कि पुलिस यहां पर दोबारा से मौके पर पहुंच रही है और अंदर एक से दो लड़कियां और अभी लड़के अंदर ही मौजूद हैं, उनको शायद हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि एक कपल, एक लड़का लड़की यहां से दीवार कूद कर भाग चुके हैं। जी हम आपको बताएं कि कहां से वे भागे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो ये खिड़कियां आप देख सकते हैं, किस तरह से यहां से दीवार कूद कर भागे हैं, यहीं से देखा था आपने, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये होटल है, यहां से कमरों में से दीवारें कूद कर भागे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कमरों में खिड़कियां खुली हुई हैं। हम आपको अंदर भी लेकर चलेंगे और आप ये तस्वीरें समय देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के काफी अवैध होटल्स जो है यहाँ पर चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर रेड मारी, जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया, पूरा का पूरा बाजार यहाँ पर इकट्ठा हो गया। दोबारा से पुलिस की टीम शायद यहाँ पर पहुंच रही है। यहाँ से इस ऊपर से कितने कपल थे? दो कूदने वाले, दो थे, एक लड़की एक लड़का। मतलब कैसे चोट नहीं लगी उनको? नहीं चोट नहीं, डर में तो आदमी ऊपर से 10 मंजिल से कूद जाता है जी। भाग गए एकदम? भाग गए बिल्कुल। क्या हुआ था यार? वो ऊपर पुलिस की रेड पड़ी ना, इसलिए भाग गए। तो कुछ लोगों को पकड़ा भी है? पकड़ा है, भाग गए वो छुटके। हाँ जी, क्या होता है? दो पुलिस पकड़ के भी लेगी एक को। कौन सा होटल है, क्या चलता है? होटल लिलीपुट है जी। क्या जानकारी मिली? जानकारी तो ये है भाई, इसमें लड़का लड़की अंदर गलत काम कर रहे हैं तो रेड डालिए, और अंदर और भी बता रहे हैं। चलता है यहाँ पर ये कार्य? बिल्कुल चलता है जी, काफी होटल आए हैं आसपास ही हैं जो इसी काम के लिए खोल रखे हैं उन्होंने, और कोई काम नहीं इनका। बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक ही है जी। तो पुलिस को पता नहीं जी, PCR भी खड़े रहती है, सारे काम खड़े रहते हैं यहाँ पे, कोई जानकारी मिलते हुए भी जब भी नहीं रेड डालते वो, पता नहीं जी। आज भी भाग गए, उनसे छुटके भागने का क्या मतलब होता है जी पुलिस से? तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी खबर, जहां पर पूरा इलाका किस तरह से सड़कों पर मौजूद है। हालांकि जानकारी मिली है कि शायद सिटी थाना पुलिस यहां पर दोबारा पहुंच रही है। आप देख सकते हैं कमरों में छोटी छोटी जो खिड़कियां हैं, वहां से दीवारें फांद कर कुछ लड़के लड़कियां भाग गए हैं। लोगों ने देखा है, चश्मदीदों ने देखा है, पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी, लेकिन जब मीडिया मौके पर पहुंचा तो पुलिस भी यहां से, दुर्गा शक्ति टीम भी यहां से भागती हुई नजर आई, यहां से निकलती हुई नजर आई। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि अगर रेड मारी गई थी तो प्रॉपर तरीके से यहां पर जब तक भीड़ को साइड में नहीं किया गया, तब तक वह आखिरकार यहां से कैसे निकल गए, ये सवाल बड़ा गंभीर है। ये करनाल के बस स्टैंड के आगे की तस्वीरें देख रहे हैं और जानकारी ये मिली है कि बस स्टैंड के आसपास जितने भी इस तरह के होटल हैं, वहां पर इस तरह का कार्य काफी समय से चलता है। तो हम आपको बताएं, जानकारी ये मिली है कि शायद जो होटल का मैनेजर या रिसेप्शनिस्ट था, उसको पुलिस अपने साथ ले गई है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है, आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कमरों वाला होटल, जहां पर यही काम चलता है, यहां पर यही काम चलता है, जिसके आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोगों ने यहां पर बताया जो चश्मदीद हैं, कि यहां पर रोजाना इस तरह से लड़के लड़कियां मुंह ढककर यहां पर आते हैं और किस तरह से घंटे दो घंटे के लिए कमरे लेते हैं। जब आसपास के दुकानदारों ने जानकारी दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस को पहले भी पता है, क्योंकि करनाल के बस स्टैंड के आसपास ऐसे दर्जनों होटल है जहां पर इस तरह की रेड्स पहले भी कई बार मारी जा चुकी है, लेकिन खुलेआम यहां पर इसी तरह का धंधा जो है चलता है, जहां पर आसपास तमाम कॉलेजेस हैं, लड़के लड़कियों के कॉलेजेस हैं, जहां से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, युवा हैं, वो इन होटलों में कमरे लेते हैं बगैर आइडेंटिटी प्रूफ के, बगैर रिकॉर्ड चेक किए, रिकॉर्ड मेंटेन किए, लोग भी इनको कमरा दे देते हैं। और ये काफी समय से ये चल रहा है, ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं और किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रोड पर जाम भी लगा हुआ है, तो देखने वाली कोशिश ये होगी कि क्या दोबारा से सिटी थाना पुलिस यहाँ पर पहुंचती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। किस तरह से आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड के आसपास, करनाल के बस स्टैंड के आसपास, हम आपको बता दें, पहले भी हमें कई जानकारियां मिलती रही हैं कि जितने भी ये छोटे छोटे होटल हैं, वहां पर इसी तरह का अवैध काम चलता है। और आज भी आप देख सकते हैं, जब पुलिस ने इन होटल, एक होटल में रेड मारी, लेकिन सुनियोजित तरीके से रेड नहीं मारी गई, जिस कारण लड़के लड़कियां दीवार फांद कर यहां से भाग गए। जो भी लोग हैं इस खबर को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का धंधा जो है करनाल के बस स्टैंड के आसपास जितने भी होटल्स हैं वहां पर चलता है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि अगर उसमें सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अमूमन ये शिकायतें आती हैं कि बस स्टैंड के आसपास कुछ इसी तरह की जो महिलाएं हैं वो भी यहां पर खड़ी रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद खुलेआम वहां पर रेट तय किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
आज तक उनको पकड़ा नहीं गया है। इक्का दुक्का हालांकि जरूर उनको पकड़ा गया है, हमने भी वह खबर जरूर करी है, लेकिन बस स्टैंड के आसपास कई ऐसे होटल्स हैं जहां पर इस तरह का गोरख धंधा चलता है। आप देख सकते हैं तंग गलियों में बोर्ड्स लगाए गए हैं, होटल रूम्स अवेलेबल। सवाल बड़ा गंभीर है कि क्या यह होटल्स रजिस्टर्ड भी हैं और ऊपर छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं जहां पर, क्योंकि बस स्टैंड के आसपास काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से लड़के लड़कियां यहां पर रूटीन में यहां पर आते हैं, मुंह को ढककर ऊपर चढ़ते हैं। और किस तरह से आसपास के जब लोगों ने देखा तो आज हालांकि पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद सिटी थाने की या PCR और दुर्गा शक्ति टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन लड़का लड़की दीवारों से ही कूदकर, खिड़कियों से ही कूदकर भागते हुए नजर आए हैं। ये लाइव तस्वीरें समय देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ ही देर में हम आपके बीच में दोबारा पहुंचेंगे, पुलिस शायद यहां पर पहुंचने वाली है, जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। जहां पर लोगों ने किस तरह से देखा कि पुलिस ने जब रेड मारी तो लड़का लड़की यहां से मुंह छुपाकर दीवारों से कूदकर, खिड़कियों से कूदकर भागते हुए नजर आए, क्योंकि पहला बार ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि इनका कहना है और हमने भी कई बार देखा है और हमने भी कई बार स्टोरी भी कवर की है कि बस स्टैंड के आसपास जितने भी छुटमैया होटल हैं वहां पर इसी तरह से अवैध कार्य किए जाते हैं, वहां पर लड़कियां महिलाएं यहां तक कि रखी भी गई हैं। और बस स्टैंड के सामने तो कम से कम 5 से 6 महिलाएं जो गलत कार्य करती हैं वो खड़ी भी रहती हैं, ग्राहकों को रोक कर वहां से डील तय की जाती है, उन्हीं होटलों में उनको लेकर जाया जाता है। सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार उनके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल जो है शहर का उससे खराब जरूर होता है। और आज भी देख सकते हैं कि किस तरह से हड़कंप मच गया जब पुलिस ने रेड मारी और ऊपर से कई कम उम्र के लड़के लड़कियां बरामद किए, लेकिन पुलिस ने शायद सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से रेड नहीं मारी। अगर अच्छी संख्या में पुलिस की टीमें यहां पर होती तो शायद उन सबको काबू किया जा सकता था। यहां पर आइडेंटिटी प्रूफ लेकर वह नहीं पहुंचे थे, यहां पर कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता था रजिस्टर का। अगर कोई भी कल को गलत काम होता है तो उसका जिम्मेवार सीधे तौर पर होटल वाला होगा। और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बाजार जो है यहां पर मौजूद है। हम आपको बताएं कि सिर्फ यहां पर लड़का लड़की अपनी मर्जी से नहीं आते थे, बल्कि हम आपको बताएं कि जो सेक्स रैकेट होता है, जो जिस्म फरोशी का धंधा चलता है, वो भी करनाल के बस स्टैंड और आसपास के होटलों में खुलेआम चलता है। सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि जहां कुछ लड़के लड़के यहां पर आते हैं वहीं इन होटलों में, बस स्टैंड के आसपास जितने भी होटल हैं उनमें जिस्म फरोशी का धंधा भी जो है सालों से चलता आया है। कई बार पुलिस ने रेड भी मारी है लेकिन कई बार वह यहां से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा बाजार यहां पर मौजूद है। जानकारी मिली है कि सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंच रही है, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको दोबारा लेकर पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा।